दोस्तों, अगर आपके गूगल पे में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपके फोन से, आपके बैंक से पैसे भी कट चुके हैं, तो ये देख लीजिए, प्रूफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरी वीडियो को देखते रहिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब आप मुझ पे टेंशन छोड़ दीजिए और आप बस इस वीडियो को देख लीजिए। चाहे आपके 15,000 हो, 20,000 हो, या 1.5 लाख रुपए हो, या 1 लाख रुपए, आपका जो है सोल्यूशन आपको बता दूंगा मैं। और यहाँ पे आप अपने फोन के जो प्रॉब्लम है पेमेंट वाला, वो सब जो है ठीक हो जाएगा। तो पूरी वीडियो देखते रहिए, लेकिन वीडियो को लाइक पहले कर दीजिएगा, चाहे आप गूगल पे यूज़ करें या कोई भी, तो सबका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में लिख देनी है गूगल पे पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, या फिर कमेंट में लिख दीजिए बैंक से पैसा कट गया तो वापस कैसे आएगा, ये कमेंट में आपको लिख देनी है। चलिए अब चलते हैं ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले तो हम गूगल पे को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जब पेमेंट कट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप गूगल पे खोलते हैं तो ऊपर आइए, नीचे यहाँ पे देखेंगे जो दो चीज़ें रहेगी, एक व्यू अकाउंट बैलेंस और यहाँ पे एक शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो आपके जितने भी रुपये कटे हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि यार आसानी तरीके से मेरे पैसे जितने भी कटे हैं, फेल हुए हैं, उन सबको मैं वापस ले सकता हूं, और जितने ही पेमेंट फेल हुए हैं उन सब का भी सॉल्यूशन है। तो यहां पर देख सकते हैं मेरे बहुत सारे फेल्ड वाले हैं। तो अगर आपका फेल हो जाए तो दोस्तों पैसा कट जाता है, ठीक है, यहाँ पर देख लो पैसा कट जाता है, लेकिन हमें वापस कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पेमेंट स्टार्टेड, पेमेंट प्रोसेसिंग बाय पार्टनर बैंक, मनी डिपॉजिट इन रिसिप्ट बैंक। जब ये टिक हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका रिसिप्ट के पास चला गया, लेकिन ये जब टिक ना हो ना, तो अगर आपका पैसा भी कट जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये गूगल ट्रांजेक्शन आई डी और UPI ट्रांजेक्शन ID, ये दोनों बस याद रख लीजिए। खैर ये डिलीट नहीं होता है, आपका पेमेंट कभी भी फेल होता है ना, तो ये रिकॉर्ड जो है गूगल पे के अंदर होता है, लेकिन फिर भी घबराइए मत, इसको एक स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज दीजिए ताकि आपके पास अगर डिलीट हो जाए तो उनके पास रहेगा। फिर उसके बाद अब देखिए मैं सॉल्यूशन इसका बताता हूं। आपको पहले तो 3 दिन तक रुकना है और फिर आपको सोचना नहीं है इस बारे में कि पेमेंट आएगा कि नहीं आना, बस पेमेंट को भूल जाओ। तीन दिन मैक्सिमम है आपका, 2 दिन के अंदर ही पेमेंट वो वापस आ जाएगा। किसी किसी केस में 7 दिन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन पैसा तो 100% गारंटी है आपके फोन बैंक में वापस आएगा, अगर जो सामने वाले के पास रिसीव नहीं हुआ तो, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए एक मिलता है ऑप्शन गेट हेल्प का भी, और यहाँ पे रेज डिस्प्यूट का भी, तो आप गेट हेल्प में जाके ना चैट सेक्शन में आप चैट भी कर सकते हैं, या स्टक पेमेंट है तो स्टक पेमेंट करिए, और फिर यहाँ पे क्रिएट टिकट, अगर इसके लिए हम क्रिएट टिकट कर लेंगे तो ये हमारा पैसा जो है और ज़्यादा फास्ट में आएगा। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा फीचर लगा। और ये देखिए, जैसे मैंने क्रिएट योर टिकट ये मैंने किया, तो नीड एक्शन यहाँ पे कर लिए मैंने किया, तो ये देखिए ये प्रोसेसिंग में चल गया गूगल पे सपोर्ट में, और ये आसानी तरीके से पैसे जो है मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो है जिसका पेमेंट मान लीजिए जिसको कर रहे थे उसको अटक गया, तो उसको आप दोबारा पेमेंट कर दीजिए और आपका पैसा जो कट गया था वो वापस आ जाएगा। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। और आपको दोस्तों वीडियो लाइक कर देनी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट में लिख देनी है गूगल पे, ठीक है, गूगल पे पेमेंट फेल सॉल्यूशन, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए। और चलिए हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, थैंक यू और
गूगल पे को अपडेट करके रखिएगा हमेशा, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। बाय।